सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम उठ गए हैं क्योंकि हमें जाना है ट्यूशन और कुंज यहाँ पर पी रहा है दूध और साथ में देख रहे हैं कुंज डोरेमोन, है ना। और मम्मा आप क्या कर रहे हो? मेरा तो आज हाथ दुख रहा है बहुत। मतलब बर्गर नहीं बनाओगे? बर्गर कैसे बनेगा, रोटी बनी आज मैंने नमकीन चावल बनाए और ओट्स बनाए हैं, वो भी पता कितनी मुश्किलों से। वैसे आपको कोई सामान ही नहीं उठ रहा हाथ से, बड़ी मुश्किल से काम कर रही हूँ। कई दिनों से दुख रहा है, याद नहीं है तुझे शायद। मम्मा वो जो फेंटा पड़ी है उसकी हम ईच नो फेंटा का नाम मतलब से बस अभी नहीं ट्यूशन से आके जब भी बस बहुत हो कोई चीज घर में पड़ी होती है ना फिर तुम्हारे बस हो जाती है। और कोल्ड ड्रिंक्स पीना खराब होता है, कभी कभी पी लो सारा दिन तुम्हें यही काम है। कल पीछे नहीं बस बहुत हो आ गए ट्यूशन से। आओ तो अंदर, बाहर क्यों खड़े हो? गेट बंद कर दो। बर्गर बना दोगे? हे भगवान मेरे हाथ का बर्गर निकला पड़ा है, बर्गर बना दोगे? बर्गर कैसे बनेगा, आज आंटी भी नहीं आए, मुझे ही करना पड़ रहा है झाड़ू पोछा। बताया था रुचिका को मेरे हाथ में दर्द है, नाराज है क्या रुचिका? हाँ तो आजा। नहीं बन सकता, मंगा देती हूँ, मंगा दो। मैं वो पी लू? हाँ पी लो, थोड़ी देर हवा हवा में बैठो पहले। नहीं पहले बैठो, पंखे चलाओ फिर। बहुत ठंडी हो रही। हाँ पहले बैठ जाओ थोड़ी देर, चलो। तो क्या पढ़ाई किया ट्यूशन में कुंजू? इसकी बुक के चक्कर में ना मैं सिर्फ अपनी मैथ्स की बुक लेकर। तो आज खाने में क्या बना पता तुझे? बर्गर। हाँ तो पता है मेरा हाथ दुख रहा है, पुलाव पुलाव होता है वो, मेरा हाथ दर्द कर रहा है तो मैंने आज रोटी नहीं बनाई और इसको बर्गर खाने हैं। शाम को पुलाव बनाते हैं। पुलाव तो बनाए बर्गर में। तो अभी मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनाया था? ओट्स। तुमने खाया? कुछ तुमने ओट्स नहीं खाए ना? मम्मा इसकी तरह का साइड बोल रही है। और पुलाव खा लिए? तो आज मैंने बनाया नमकीन चावल क्योंकि मेरे हाथ में हो रहा है तेज से दर्द, वो भी राइट हैंड में। तो मुझसे रोटियां नहीं बन रही, ना ही मुझसे आटा लगाया जा रहा था, बट मेरे साथ बहुत गलत हो गया। क्यों? मेड भी नहीं आई आज। तो आज का तो हो गया ना सुबह का, तो शाम लाल रात को तो इन लोगों को खाने हैं बर्गर क्योंकि पापा ने क्या किया लाकर दे दिए बन। और जो चीज इनको एक बार दिख जाती है तो फिर ये क्या हो जाता है। हाँ तो कल मुझे लगा मैं बना पाऊंगी लेकिन तुझे पता मेरा हाथ दुख रहा है, कितने दिन से दुख रहा है पर आज कुछ ज्यादा ही दुख रहा है। मैंने आलू बॉईल कर दिए, अगर मुझसे बने तो बना दूंगी। आलू तो काम आ जाएंगे। और नहा लो जाके, टाइम देख एक बजने वाला हो गया, जाओ चलो। कोई काम नहीं है, चलो कपड़े बड़े हैं कपड़े समेट। तेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट काम सीधी बैठा कर, पोस्चर अपना सही रखा कर बैठने का। हाँ कह कह के थक गए हम, तेरे को आदत पड़ जाएगी। डस्टिंग कर ले, डस्टिंग। नहीं डस्टिंग भी करी हुई है। नहा लो तुम, नहा लो। इतनी गर्मी में तुम नहाने क्यों नहीं जाते टाइम पर? मैं तो झाड़ू पोछा करके पसीने में हो गई हूँ, तो 10:30 बजे तक तो मैं मेड का वेट कर रही थी, उसने बताया भी नहीं, तो मेरे को तो टाइम लग गया। मैं अब थोड़ा सा पसीना सुखाऊंगी तभी जाऊंगी ना। नहाने जाओ, खाना खाओ। खाना खा लिया, खा लिया खाना। फिर क्या खाना है और अब? सो ओके गाइस अभी बज रहे हैं 6 और मम्मा हाँ एक बाहर का मौसम पूरा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में बारिश होगी और बारिश हो जाएगी तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। और मम्मा आप क्या बना रही हो? बस ये दिमाग खा गया तो सोच रही हूँ बर्गर ट्राई कर लूँ। ये आलू टिक्की को तलोगे क्या? बिना तले कैसे बनेगी? मैंने सोचा सिर्फ ब्रेड लगा के आलू को ऐसे ऐसे आलू टिक्की शेप देके
मम्मा कुंज तो बिल्कुल खा ही नहीं सकता है ना बेचारा कुंज, ये आलू से बना है। कुंज तू नहा के आ जा पहले, इतने में रेडी हो जाएंगे ठीक है, बिना साबुन के। नहीं साबुन लगा के उठ जा। मम्मा बर्गर बन गया क्या? बन रहा है। कितना टाइम लगेगा? आलू का मसाला बनाया अभी तो शुरू में। अच्छा मम्मा भी वैसी आलू टिक्की चाहिए जैसी उसमें होती है, हमें जोमेटो में आती है। क्या इसका क्या करोगे? अच्छा बहुत टेस्टी लग रहा है। और ये रहे हमारे बन, फ्रिज में रखा था ना ठंडे हो गए हैं, हाल के देखेंगे। और टाइम भी आ गया। और मम्मा मुझे लग रहा है कि आज हम खेलने नहीं जा पाएंगे, बारिश अगर नहीं हुई तो नहीं जाएंगे। तू नहीं जा सकता, मैं तो चली जाऊंगी। आज तो पक्का जाएंगे, अब तो आज हम साइकिलिंग नहीं करेंगे, हम बाहर खेलेंगे। हमारे घर के बाहर। वही बोल रही हूँ। टिंग टिंग लक 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 टिंग। पापा आने वाले हैं, पापा आने वाले हैं। हाँ स्टूल तो उड़ रहा है। क्या कुंज? स्टूल उड़ के गिर गया। हाँ और अभी पापा आ गए हैं और मेरे से तो स्लाइसेस कट नहीं हो रहे हैं, इसलिए पापा ने बोला मैं ही कर देता हूँ, तेरे से क्या ही होगा। जितने काटे थे उससे ही अच्छी लग रही है, मन कर रहा अभी वैसे ही खा लो। हाँ अच्छी है। हाँ बाहर ना स्टूल उड़ उड़ के गिर गया, उड़ उड़ के गिर गया। और पापा बैंक से आ गए हैं तो पहले मैं कट कर रही थी वेजिटेबल्स, तो पापा ने बोला कि तेरे से तो नहीं होगा मैं ही कर देता हूँ। हाँ बस गिर गया। और यहाँ बन गई है टिक्की। मम्मा ये जो सबसे ज्यादा अच्छी वाली है ना सोख सोख, वो मेरी है। और मम्मा उससे ठीक जो होगी वो आपकी होगी। और हम एक बार बाहर चलते हैं। और तीसरे नंबर की ये तेरी, ये कुंज की है। ये कुंज की फिर भी ठीक है। हम तो बाहर चल जाएं। मम्मा बर्गर बन गया क्या? दिखा कितना क्यूट है, ऊपर जला हुआ क्यूट है। पर टेस्टी होगा खाने में बहुत। इसलिए एप्पल लगाया था ये हाथ में तुझे। उठा के देख तू। तो बर्गर जैसा ही बर्गर होगा, उठा के देख के बोल रहा है ना? बहुत गया मैं। ये ले कुंज। वाओ कुंज, कुंज सबसे पहले टेस्ट करके बता कैसा है। अब तो सारा नहीं टेस्ट नहीं आया। अब ये मेरा होगा। आ जाएगा टेस्ट। मेरा है अब ये। जो हमने मंगाया था उधर से आते हुए राजस्थान से आते हुए। अच्छा है कि नहीं है? अच्छा लगता है। हमारे पास पहुंचेगा तब तक तो तेरा खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ तुझे तेरे को क्या क्या डालना? मेरे को कुछ भी मत डालो, खीरा और टमाटर बस बस। यार जो स्लाइस मैंने काटी थी गंदी सी वही रह थी है ना? ये उल्टा है क्या? टेस्टी बहुत है। मेरे पास जा जा मेरे को दे दो पहले आप। मैं टेस्ट करती हूँ। कुंजू कैसे है? अच्छा है। तो बाहर क्या आंधी आ रही है?
आंधी तूफान और बारिश के आसार लग रहे हैं, लेकिन आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं। तो आज यहाँ पे तेज आंधी चल रही है, बारिश का मौसम था लेकिन बारिश आई नहीं। तो मेरे को अभी सामने दिखा बादल, तो काफ़ी मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बर्फ का पहाड़ हो। सामने देख रहा हूँ, सामने बादल देख, बादल कैसे लग रहा है? ऐसा लग रहा है बर्फ जैसे है? नहीं जा सकता, ये तार टूट जाएगी, मजा नहीं ऐसे। कुंजू की सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये देख गया कुंजू,